शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सॉरी वो हाय आई एम तान्या। हाय, अभी अभी हम लोग आपके बगल वाले मकान में शिफ्ट हुए हैं। वी आर नेक्स्ट डोर नेबर्स। ओह अच्छा अच्छा, सो प्लीज अंदर आइए ना, आई विल जस्ट चेंज इनकम। जी चलिए, अच्छा हुआ आप लोग शिफ्ट हो गए। वो आपके घर से जो कंस्ट्रक्शन का शोर आता था, अब वो बंद हो जाएगा। I'm so sorry, मैं जानती हूँ आप लोगों को काफी तकलीफ हुई हमारी वजह से, इसलिए मैं चॉकलेट्स लाई हूँ, मैंने खुद बनाई है। अरे इसकी क्या जरूरत थी। चलिए थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरे लिखने का काम है, सो शोर शराबे से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ओके अब हम लोग बैठ के बात करते हैं ना, आइए। ओके राइटर हैं? कह सकते हैं। एक्चुअली मैंने कुछ उपन्यास लिखे हैं और अभी राइटिंग का काम चल ही रहा है। नाइस। मेरे हस्बैंड अंकित, उन्हें भी लिखने का बहुत शौक है। अंकित? आपके हस्बैंड का नाम अंकित है? हाँ। अरे एक्चुअली मेरा नाम भी अंकित ही है इसलिए। रियली? ये तो कमाल हो गया, नाम भी सेम और शौक भी। सीरियसली? लेकिन एक बात, मेरे हस्बैंड के इतने फैंस नहीं है और ना ही फैंस मेल। क्या वो? अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे ऐसे फैंस नहीं है। हाँ लेकिन कोई क्रेजी फैन है, वो वही भेजती रहती है ये सब। ओह बेचारे, आपने एक भी मेल नहीं खोले? उसे क्या खोलना, आई मीन क्या, छोड़िए ये सब। चाय कॉफी कुछ लेंगे आप? नथिंग, अब मैं अभी निकलती हूँ। आप लोग बस जब भी टाइम हो प्लीज एक बार आइए घर। श्योर, पक्का। थैंक यू सो मच। ओके चॉकलेट खाइएगा। हाँ हाँ चॉकलेट। हाय हाय, हफ्ते भर के टूर के बाद वापस आ रही हूँ। मुझे लगा था तुम मुझे मिस कर रहे हो, मेरा इंतजार कर रहे हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरे आने से ना आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान। ऐसा ही है। तुम एक काम करो, ये चॉकलेट खाओ। तुम्हें पता है हमारे घर के सामने ना एक राइटर शिफ्ट हुआ है, ये उसकी वाइफ देके गई है चॉकलेट्स।
कमाल की बात यह है कि उस राइटर का नाम भी अंकित ही है। अरे यार, मैं कहा तुम आई और मैं काम भूल गया। प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दो, ये फिल्म का क्लाइमेक्स लिख रहा हूँ मैं। कम से कम अपने फैंस के मेल तो चेक कर लिया करो। अरे अरे, ये वही क्रेजी फैन है जो हर बार एक ही बात लिखती है। प्लीज इसे भी अंदर ले जाओ ना, प्लीज 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 प्लीज। ये भी ऐसा लगता है ना कि हमारी शादी को 2 साल नहीं 20 साल हो गए, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। सॉरी बोलती हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग। हे, हाय, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज मैंने चीज केक बनाया था तो सोचा आप लोगों को टेस्ट करा दूं। वाओ, चीज केक, आई जस्ट लव इट। अंदर आइए ना, आज तो राशि भी घर पे है। राशि? मेरी वाइफ। एक्चुअली आपसे मिलेगी तो बहुत खुश होगी। सॉरी, मैं इस वक्त जल्दी में हूँ। अंकित के लिए नाश्ता टेबल पे लगा कर आई हूँ और उनकी आदत है जब तक उन्हें कॉफी ना मिले वो नाश्ते को हाथ भी नहीं लगाते, और कॉफी भी ना उनको एकदम खौलती हुई चाहिए, पिपिंग हॉट। तो आपकी वाइफ से मैं फिर किसी दिन मिलूंगी, अभी मैं चलती हूं। कमाल है, चीज केक, पिपिंग हॉट कॉफी, अंकित, इतना कुछ कैसे मिल सकता है यार। अरे कॉफी ठंडी हो जाएगी, कहाँ हो? हाँ आया। कौन था? अरे वो हमारी नई पड़ोसन, कैरी अपने हाथों से बनाया था। अरे वाह, पहले तुम्हारी फेवरेट रम चॉकलेट और अब ये चीज के। शुक्र है वो शादीशुदा है, वरना जिस तरह से वो तुम्हारे फेवरेट फेवरेट आइटम बना के ला रही है ना, मैं तो इनसिक्योर हो जाती। क्यों, मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसा है तभी तो टूटने का डर है। क्या कान से सुन रहे हो, लेकिन हो कहीं और। बताओ क्या सोच रहे हो? यार एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ कि दो लोगों में इतनी सिमिलरिटीज कैसे हो सकती है। आई मीन इतना कुछ कॉमन, मतलब? अब देखो ना, उसके हस्बैंड का नाम भी अंकित है, उसे भी चीज केक पसंद है, वो भी नाश्ता बिना कॉफी के नहीं करता, उसे भी कॉफी मेरी तरह गर्मा गर्म चाहिए, एकदम पिपिंग हॉट। ये कमाल है यार। That's amazing. मुझे एक बात बताओ, कहीं वो तुम्हारा कोई कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई तो नहीं है? हो सकता है, अगर पापा मम्मी दुनिया में होते तो पूछ के जरूर बताया। नाश्ता कर लूं? हाँ कर लो, ये तुम्हारी पिपिंग हॉट कॉफी। थैंक यू। नहीं, रेड रोसेस नहीं, मेरी बात सुनिए, पिंक लिलीज के फूलों का एक सुंदर सा गुलदस्ता। That's it. ओके, थैंक यू। फूल ऑर्डर कर रहे हैं? आज कोई स्पेशल डे? एक्चुअली आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। एक मिनट, ऐसा तो नहीं कि आज कहीं आप लोगों की भी मैरिज एनिवर्सरी है? नहीं, हमारी शादी नहीं हुई। व्हाट? हाँ, लेकिन आपने तो बोला कि अंकित आपके हस्बैंड है? है तो, लेकिन ऑफिशियली हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं। ओके, लिव इन, दैट्स ग्रेट। ग्रेट क्यों? ऑब्वियसली दो लोग अगर बिना किसी फॉर्मेलिटी को निभाए एक साथ खुश रह सकते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? हो सकती है ना शादी, जिस दिन अंकित मान जाएंगे उस दिन अंकित और तान्या एक हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो ऐसा जरूर होगा। आपको ऐसा लगता है? 100%। अरे आप हैं ही इतनी अच्छी कि आपको कौन मना करेगा। वैसे एक बात बताइए, आप हमेशा अपने हस्बैंड के बारे में बात करती हैं, कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया आपने? मेरे बारे में कुछ खास नहीं, बस अंकित को जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ।
बहुत लकी हैं आपके ये अंकित, जो आपके जैसा पार्टनर मिला। आप एक काम क्यों नहीं करती, किसी दिन उनको घर पे लेकर आइए ना। आप ये थोड़ा मुश्किल है, एक्चुअली उन्हें किसी के घर जाना पसंद नहीं है, बट आपके लिए मैं ट्राई करूंगी। I'm shocked. I'm really shocked. Actually, उनकी ये आदत भी ना बिल्कुल मुझसे मिलती है। Really? मैं भी कहीं जाने से पहले बहुत कतराता हूँ। अभी आपकी इन अंकित से मिलने की ना मेरी चाहत और बढ़ गई। तो आप लोग आइए ना किसी दिन हमारे घर पे। अब हाँ, ये कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, जिस दिन राशि की छुट्टी होती है ना, हम लोग उस दिन आते हैं। Done. Okay. Thank you. Okay, मैं चलता हूँ। हाँ, कितना मजा है ना, इतना अच्छा सरप्राइज दिया तुमने मुझे। पता है, मुझे लगा था तुम हमारी एनिवर्सरी भूल गए हो, लेकिन ऐसे कैसे भूल जाता। अभी तो बहुत सारे सरप्राइजेस बाकी है। अच्छा, और क्या सरप्राइज है बताओ। वैसे इन 2 सालों में काफी भारी हो गई तुम। भारी नहीं हुई हो, तुम कमजोर हो गए। अच्छा, तो इसलिए आजकल खिड़की में खड़े रहते हो। नहीं, एक्चुअली मैं उसके, अरे राशि, मैं उसके हस्बैंड को देख रहा था। मेरी बात सुनो राशि, राशि मैं भी साथ चल रहा हूँ, मुझे पब्लिकेशन ऑफिस छोड़ दो। ठीक है। हाय। हाय। हाय, एक्चुअली मैं आपसे काफी दिन से मिलने के लिए ट्राई कर रही थी, बट हो ही नहीं पा रहा था। आई एम तान्या, हम लोग अभी बगल वाले मकान में शिफ्ट हुए हैं। हाँ, जानती हो। एक्चुअली मैं भी आपसे कब से मिलना चाह रही थी। वो क्या है ना, आपके घर की खिड़की और हमारे घर की खिड़की एकदम आमने सामने। राशि, राशि देर हो रही है, चले बातचीत बाद में कर लेंगे प्लीज। और हाँ, आप जब भी घर पे आती है शाम को आया कीजिए। वो क्या है ना, मैं दिन भर ऑफिस में रहती हूँ और अंकित भी बिजी रहते हैं। उन्होंने बताया होगा ना आपको। नहीं, लेकिन अब पता चल गया, अब से मैं शाम को ही आऊंगी। आप लोग की अगर बातचीत खत्म हो गई हो तो प्लीज राशि चलिए, बारिश होने वाली है, चलते हैं हम लोग। बाय बाय। चाबी कहाँ गई यार? हेलो राशि, यार एक्चुअली मैं घर के बाहर खड़ा हूँ और सुबह तुमने इतनी टेंशन क्रिएट कर दी कि मैं चाबी ले जाना भूल गया। अरे तो मैं अभी चाबी लेने कहाँ जाऊँगा, अभी चाबी वाला मिलेगा भी नहीं। यार प्लीज कुछ कुछ भी इमरजेंसी बोल के प्लीज जल्दी से आ जाओ। 2 घंटे, चलो ठीक है, तुम काम पे ध्यान दो यार। अरे आप ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं, अब तो पूरे भीग गए हैं। वो एक्चुअली सुबह घर से निकलते वक्त चाबी ले जाना भूल गया, तो बस उसी का खामियां सब भुगत रहा हूँ मैं। ऐसे आपको ठंड लग जाएगी, आप मेरे घर जाइए, मैं आपको अच्छी सी कॉफी पिला दूँगी। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, वो राशि चाबी लेके आती होगी। राशि ने हमें ज्वाइन कर लेगी, और बाय द वे मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ। ऑब्वियसली अच्छा ही बनाती होंगी आप। तो फिर चलिए ना, अंकित को भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन
अभी लेकिन लेकिन कुछ नहीं, प्लीज कम। अंकित, अंकित देखो तुमसे मिलने कौन आया है। आप प्लीज बैठिए, मैं अंकित को बुला के लाती हूँ और टॉवल भी लेकर आती हूँ। थैंक यू। चलो इसी बहाने अंकित से ही मिल लूंगा। हेलो, अरे एटलीस्ट तुम्हें बताकर तो जाना चाहिए था। हेलो हेलो, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? लो अब फोन भी काट दिया। क्या हुआ, इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ सब कुछ ठीक है, बस थोड़े से नाराज है मुझसे। इनका कहना है कि 24 घंटे में इनके पास बैठी रहूं। अब ये कैसे पॉसिबल है? आप टॉवल लीजिए। थैंक यू। मुझे लगता है आपके हस्बैंड आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता था। हाँ मतलब? मतलब मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड है। I'm sorry, तानिया जी। फिर अभी आप क्या करेंगे? एक अकेली औरत कर भी क्या सकती है? बस उनके टॉर्चर को सहती रहूंगी। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? अपने आप को इतना कमजोर मत समझिए। हम लोग हैं ना आपके साथ। जब हम लोग हैं तो आप अकेला क्यों फील कर रही? सॉरी। इट्स ओके। अशी को पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। इतना कमजोर कैसे पड़ सकता? जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते रहते हैं, अगर हम बैठ जाएंगे तो कमिटमेंट और रिलेशन का फायदा ही क्या है? ये क्या कर रही है? तानिया जी आप ठीक तो हैं? अच्छा सवाल पूछा आपने। एक घायल से पूछ रहे हैं, आपको चोट तो नहीं लगी? आप बताइए आप यहां क्यों आए हैं? ओ, मैंने अपनी खिड़की से आपको कढ़ाई की नस काटते हुए देखा, इसलिए मैं यहां आ गया। काश कुछ वक्त बाद आते तो मुझे इस जिंदगी से सुकून मिल जाता। ये कैसी बात कर रही हैं आप? तो देखिए मैं आपके पति से बात करना चाह रहा हूँ। कहाँ है वो? वो अभी किसी से बात नहीं करना चाहते। देखिए तानिया जी, आई मीन मुझे नहीं पता अभी आपके और आपके पति के बीच में क्या हुआ, लेकिन प्लीज आप ये मत करिए। प्लीज शांत हो जाइए और अभी मैं चलता हूँ। मत जाइए ना प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। देखिए मैं रुक जाता लेकिन वो राशि सो रही है और उसे मैं बिना बताया गया। राशि जी बहुत अच्छी लेडी है, अगर उन्हें पता चलेगा आप मेरी यहाँ मदद के लिए आए हैं तो आपको कभी नहीं रोकेंगी। ओके प्लीज बैठिए। अगर तुम्हें पता चलेगा ना मेरे पति के बारे में, दोबारा ऐसा कभी नहीं बोलोगे। देखिए मुझे अब आपके पति से मिलने का कोई शौक नहीं है। नहीं अब तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुमने मुझ पे इल्जाम लगाए, अब तो तुम्हें उनसे मिलना पड़ेगा। अंकित, अंकित,
अंकित यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने इतने साल इंतजार किया और तुम कुछ मिनट इंतजार नहीं कर सकते? मतलब? मेरे पति से मिलना चाहते हो ना तुम? हाँ क्या मजाक है तानिया जी? ये मजाक नहीं अंकित, ये सच है। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ और आज से नहीं बल्कि उस दिन से जब तुम्हारी पहली नोवेल छपी थी। मैंने तुम्हें कितने मेल्स किए पर उन मेल्स को पढ़ना तो दूर, तुमने आज तक खोल कर भी नहीं देखा। उन मेल्स को रद्दी के ढेर पे देख कर तुम्हें पता है मुझे कैसा लगा? इसका मतलब वो सारे खत तुमने लिखे थे? काश उन खतों को तुम पढ़ लेते तो आज राशि जैसी औरत से कभी शादी नहीं करते। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हें उसके करीब कभी नहीं जाने दूंगी। तुम्हें याद है वो मैरिज एनिवर्सरी वाली रात, तुम्हें उसके जंगल से बचाया था, वो रात भर डोरबेल का बजना। एक मिनट, यानी कि वो डोरबेल पे टेप भी तुमने ही लगाया था? अब बहुत हो गया अंकित, तुम उस राशि को डिवोर्स दे दो, हम दोनों शादी कर लेंगे और बहुत खुश रहेंगे। हाँ? मुझे लगता है कि तुम पागल हो, और पता है तुम्हें इलाज की जरूरत है। हटो। अंकित, अंकित प्लीज मुझे ऐसे छोड़ मत जाओ। अंकित, अंकित, अंकित मेरी बात सुनो। अंकित, अंकित, अंकित प्लीज मुझे ऐसे छोड़ मत जाओ। प्लीज अंकित मत जाओ, प्लीज अंकित, अंकित प्लीज, हम छोड़, हम छोड़। पागल हो गए तुम? नहीं, नमस्ते, अंकित, अंकित प्लीज, अंकित, अंकित छोड़ मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी अंकित, प्लीज प्लीज। तुम मर जाओ पर प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो अंकित, प्लीज। और खबरदार, आज के बाद मेरे घर की तरफ आंख उठा के भी देखा ना। ठीक है, नहीं देखूंगी तुम्हारी घर की तरफ आग उठा के, लेकिन उस राशि को आग उठाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो किसी के नहीं होगे। हेलो, पुलिस स्टेशन, 40 नंबर 17। मेरे पड़ोसी अंकित ने मेरे घर में घुसकर मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की, उससे पहले कि वो दोबारा आए प्लीज जल्दी आ जाइए। जी इतनी रात को कहाँ चले गए थे तुम? वो लिखते लिखते दिमाग काम करना बंद हो गया, इसलिए बाहर फ्रेश हवा खाने गया था। सो जा, चल। अरे इतनी रात को कौन हो सकता है अभी? मैं देखता हूँ। अंकित शर्मा हो? जी मैं ही अंकित शर्मा हूँ। हम आपको रेप के केस में अरेस्ट करने आए हैं। रेप केस? मैम क्या कह रही हैं आप? हाँ जरूर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं मैडम जी,
वो लड़की आपके पड़ोस में रहती है, तानिया नाम है उसका। बहुत बुरे हाल में है वो, उसे मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा है, उसी ने इनके नाम की कंप्लेंट लिखाई है। मैम वो लड़की झूठ बोल रही है, वो बस मेरी एक क्रेजी फैन है। अब वो लेटर्स देख रही हैं आप, वो सारे लेटर उसी ने लिखे हैं। मैम आप एक काम करिए, आप उसके घर जाइए और उसका कबोर्ड चेक करिए। अरे उसने अपनी अलमीरा में मेरी तस्वीर लगा रखी है मैम। अगर ऐसा है भी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अकेली लड़की के घर पे जाके उसको जबरदस्ती शराब पिलाकर उसके साथ जबरदस्ती करेंगे। नहीं मैम, अब वो अकेली थोड़ी है, उसका हस्बैंड है ना उसके साथ, उसके हस्बैंड का नाम भी अंकित ही है ना अंकित? नहीं मैम, एक्चुअली उसका कोई हस्बैंड नहीं है और वो मुझे ही अपना हस्बैंड मानती है। क्या? मानती नहीं है, आप मनवाना चाहते हैं। लड़की ने बयान दिया है कि वो आपकी बहुत बड़ी फैन थी और आप उसे मजबूर करते थे कि वो आपको अपना हस्बैंड माने, और आपने लोगों से बोलना शुरू कर दिया है कि तान्या शादीशुदा है और उसके हस्बैंड का नाम भी अंकित है। नहीं मैम, क्या बोल रही हैं आप? राशि, वो लड़की मुझे फंसा रही है। हम मैंने उसके साथ शराब नहीं पी, उसने खुद पिया। अरे मैं तो उल्टा उसे मना कर रहा था। प्लीज मेरा यकीन करो राशि, प्लीज। मना करने वाला इंसान खुद नहीं पीता। तुम्हारे मुंह से ना शराब की बू आ रही है और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो कि तुमने ना मेरा भरोसा तोड़ा है। इंस्पेक्टर इन्हें लेके जाइए, मैं नहीं जानती इनको। राशि मैं सच बोल रहा हूँ, राशि प्लीज मेरा यकीन करो राशि, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या किया है और क्या नहीं किया है ये तो लड़की की मेडिकल रिपोर्ट से सब साबित हो जाएगा। आपके भी टेस्ट होने हैं, ले चलो इन्हें। सर मेरी मेरी बात सुनिए मैम, राशि राशि मैंने कुछ नहीं किया। सर मेरी बात सुनिए आप प्लीज। मशहूर उपन्यासकार अंकित शर्मा अटेम्प्ट ऑफ रेप के इल्जाम में गिरफ्तार हुए। बताया जा रहा है कि ये लड़की उन्हीं के फैन होने के साथ साथ उन्हीं के पड़ोस में रहती थी। सूत्रों से पता चला है कि अंकित शर्मा के वकीलों ने उनके जमानत की अप्रूवल की है। अब देखना यह है कि मशहूर उपन्यासकार अंकित शर्मा रुको राशि, देखो मैं यहां अपनी बेगुनाही की भीख मांगने नहीं आया हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि एक बार प्लीज मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद जो भी तुम फैसला करोगी ना मुझे कबूल है। क्या सुनना चाहते हो तुम? तुम्हें पता है तुमने जो किया है ना उसका भुगतान मैं कैसे भर रही हूं? सबसे पहली बात तो मेरी नौकरी चली गई। जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना तो कानों में सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है कि देखो मॉलेस्टर की बीवी जा रही है, रेपिस्ट की बीवी जा रही है। दोस्तों से मिलने जाती हूँ ना तो दोस्त है ना मेरे, वो बात करते करते चुप हो जाते हैं। उनकी खामोशी मुझे गालियों से भी बदतर लगती है। और ये सब होने के बाद भी तुम की शक्ल लेके मुझसे बात कर रहे हो, खुद को डिफेंड कर रहे हो। नहीं नहीं, डिफेंड नहीं कर रहा हूँ राशि, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम सब जान जाओगे। प्लीज प्लीज, जो जानना था ना मैं जान गई हूँ, अब क्या जानना बाकी है? ठीक है ठीक है, तुम कहते हो ना तुमने कुछ नहीं किया है ना, तुम सच्चे हो है ना, सच्चे हो ना तुम? तो तुम मुझे एक बार बताओ, उस रात तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम फ्रेश हवा खाने बाहर गए थे? उसी रात मुझे सच क्यों नहीं बताया? झूठ क्यों बोला मुझसे? मैं डर गया था राशि, मैं सच में बहुत डर गया था, और मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताने वाला था लेकिन मौका ही नहीं मिला। प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं अभी इसी वक्त इस घर से चली जा रही। नहीं छोड़ो मुझे राशि, राशि राशि राशि।
राशि राशि, मैंने कुछ नहीं किया। तो बताया था कि वो अकेले रहती है, उसका कोई नहीं है। फिर ये अपने बेडरूम में किसके साथ बात कर रही है, वो भी इतना हंस-हंस कर। इसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि इसके साथ अभी अभी ऐसा कोई हादसा हुआ है। मुझे जाकर देखना चाहिए। हाय राशि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तानिया का लगाया हुआ इल्जाम बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं ये बात अपने जीते जी साबित नहीं कर सकता। मेरे मरने के बाद लोगों को यकीन हो जाएगा कि मैं सच कह रहा था। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम अपनी जिंदगी इज्जत और गर्व से जियो, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया है। Always remember, Ashi, I love you. अलमीरा में मेरी तस्वीर लगा रखी है। मैम, मैंने कहा था ना तुमसे, मेरी बात मान जाओ, लेकिन तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। और अपनी उस दो कौड़ी की बीवी के चक्कर में तुमने मुझे ठुकरा दिया। मुझे माफ कर दो अंकित, मैंने सिर्फ तुम पे इल्जाम इसलिए लगाया ताकि मैं तुम्हें पा सकूं। और अच्छा हुआ मैंने सुना है वो तुम्हें डिवोर्स दे रही है। बस एक बार तुम उससे अलग हो जाए, फिर हम एक साथ हो जाएंगे और मैं अपना केस भी वापस ले लूंगी। और ऐसा कभी नहीं होगा, और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम जेल जरूर जाओगी। तुम ये जो बकवास बातें कर रही थी ना, ये सब कुछ मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर दिया है। अब तुम नहीं बचोगी, देख लेना। तो जिंदा बचेगी तब तो पुलिस के पास जाएगी ना। बॉम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, तेरी कहानी खत्म। खबरदार चाकू नीचे फेंकना, नहीं तो हम छुट कर देंगे। आपने हमें भेजा हुआ मैसेज और रिकॉर्डिंग हमें पहुंच गई है। अरेस्ट कर लो इस औरत को, गाड़ी में बिठाओ। अंकित सॉरी, पता उस औरत की सारी मक्कारी सामने आ गई। इसका सब क्रेडिट आपके वाइफ को जाता है, इन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर उस लड़के को एक्सपोज किया है। अगर ये ऐसा ना करती तो आपकी सच्चाई कभी सामने ना आती। हुँ?
क्या सोच रहे हो? यही कि मेरी तरह न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो कानून का गलत इस्तेमाल करने वाली औरतों के हाथों का शिकार बने होंगे। उन्हें कैसे बचाया जाए, बस यही सोच रहा था। है कोई उपाय? है तो। एक्चुअली हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। हमें ये मानना होगा कि सिर्फ औरतें ही पीड़ित नहीं होती हैं, मर्द भी पीड़ित होता है। औरतों की हर बात को हमारे समाज में आंख बंद करके भरोसा कर लिया जाता है। सिर्फ उनके कह देने भर से मर्द को दोषी मान लिया जाता है। बस इसी मानसिकता को बदलना है।